नमस्ते गाइस, स्वागत है हमारी चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसवेसिटाइल टैबलेट की फायदे, खुराक, सावधानी और कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। एसवेसिटाइल डॉक्टर की द्वारा लिखी जाने वाली दवा है जो टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। इसे मुख्यतः डिप्रेशन के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उत्पादक है शाइन फार्मास्यूटिकल्स ETD और सामग्री यानी कॉम्पोजिशन है एसिटालोप्राम 10 मिलीग्राम और क्लोनाजेपाम 0.25 मिलीग्राम। गाइस आइए जानते हैं एसवेसिटाइल टैबलेट की फायदे क्या क्या होता है। एसवेसिटाइल टैबलेट आपके मस्तिष्क को उन रसायनों को छोड़ने से रोकता है जो आपको चिंतित महसूस कराते हैं, इसलिए यह अत्यधिक चिंता और चिंता के लक्षणों को कम कर सकता है। यह बेचैनी, थकान, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्याओं की भावनाओं को भी कम कर सकता है। एसवेसिटाइल टैबलेट डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं? जी हाँ गाइस, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन की शिकार हो तो, अगर अधिक समय तक चिंताग्रस्त हो तो, चिंता की मरीज, पैनिक अटैक होने पर भी डॉक्टर इस दवा को प्रेस्क्राइब करते हैं। एसवेसिटाइल टैबलेट की खुराक। गाइस एसवेसिटाइल टैबलेट की खुराक मरीज की उम्र, लिंग व स्वास्थ्य संबंधी पिछली जानकारी के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। इसकी सही मात्रा इस पर भी निर्भर करती है कि मरीज की मुख्य समस्या क्या है और उसे किस तरीके से दवा दी जा रही है। आमतौर इस दवा दिन में एक बार ही खाने के बाद लिया जाता है। गाइस डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने पर ही इस दवा को ले। गाइस एसवेसिटाइल टैबलेट का कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है, जैसे स्खलन विकार, कब्ज, मतली या उल्टी, दस्त, अनिद्रा, सिरदर्द, थकान, ऊंघना, राइनाइटिस, झुंझुनी, गुदगुदी, चुभन, सुन्नता या जलन, पेट दर्द, मुंह सूखना। गाइस एसवेसिटाइल टैबलेट की ये साइड इफेक्ट्स ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। फिर भी गाइस अगर लंबे समय तक रहता है या गंभीर हो जाता है तो डॉक्टर से संपर्क करें। एसवेसिटाइल टैबलेट के कुछ सावधानी। एसवेसिटाइल टैबलेट के साथ शराब का सेवन करना असुरक्षित है। गर्भावस्था के दौरान एसवेसिटाइल टैबलेट का इस्तेमाल असुरक्षित है। एसवेसिटाइल टैबलेट को स्तनपान के दौरान इस्तेमाल करना संभवतः असुरक्षित है। रिसर्च से पता चलता है कि दवा स्तन के दूध में जा सकती है और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। एसवेसिटाइल टैबलेट संभवतः गुर्दे की बीमारी वाले रोगियों में उपयोग करने के लिए सुरक्षित है। इससे जुड़े कुछ सीमित आंकड़े से पता चलता है कि लीवर की बीमारी से पीड़ित मरीजों को सावधानी पूर्वक एसवेसिटाइल टैबलेट की खुराक कम या ज्यादा करना चाहिए। कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श करके ही करें। एसवेसिटाइल टैबलेट का उपयोग किडनी रोग के अंतिम चरण के रोगियों में अत्यधिक नींद का कारण बन सकता है, इसलिए पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस दवा को सेवन करके गाड़ी चलाने नहीं चाहिए, इससे खतरा हो सकता है।